आओ दिर्ण, आप कुर्सी पे विराजेंगे, कुर्सी कुर्सी आप जी। आप मोहन भागवत जी हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के अभी संघ प्रमुख हैं महाराज जी। मेरा क्यों घुटने का जरा है जी महाराज जी, बस दर्शन करने थे। आपकी बात वीडियो पर सुनी तो लगा एक बार देख लेना चाहिए। चाह मिटी चिंता गई मनवा बेपरवाह, ऐसे लोग कम देखो। देखो अपने लोगों का जन्म जो भगवान ने दिया है ना, ये सिर्फ सेवा के लिए दिया है। व्यवहारिक की सेवा और अध्यात्म की सेवा, ये दोनों सेवाएं अति अनिवार्य हैं। केवल व्यवहारिक की सेवा ही होती रहे, हम अपने भारतवासियों को अगर हम परम सुखी करना चाहते हैं तो केवल वस्तु और व्यवस्था से नहीं कर सकते, उनका बौद्धिक स्तर सुधरना चाहिए। आज हमारे समाज का बौद्धिक स्तर गिरता चला जा रहा है, बहुत चिंता का विषय है। हम सुविधाएं दे देंगे, हम विविध प्रकार की भोग सामग्रियां दे देंगे, लेकिन उनके हृदय की जो मलिनता है, जो हिंसात्मक वृत्ति है, जो अपवित्र बुद्धि है, ये जब तक ठीक नहीं होगी तब तक हमारा देश धार्मिक देश है, हमारे यहाँ धर्म की प्रधानता है। तो इसी बात को बार बार हम सबसे निवेदन करते हैं कि ये जो हमारी नई पीढ़ी है, इसी से हमारे राष्ट्र की रक्षा करने वाले प्रकट होते हैं। जो विद्यार्थी जन है उन्हीं में कोई MLA बनता है, उन्हीं में कोई सांसद बनता है, उन्हीं में कोई मुख्यमंत्री बनता है, उन्हीं में कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनता है, उन्हीं में अपने लोग भी सब थे। अब हमारी शिक्षा केवल आधुनिकता का स्वरूप लेती जाए और व्यभिचार प्रवृत्ति, व्यसन प्रवृत्ति, हिंसा प्रवृत्ति, ये नई पीढ़ी में देखकर बहुत असंतोष हृदय में होता है। इसीलिए कितनी भी शरीर में पीड़ा हो, हम प्रयास करते हैं जितने से जितने सामने हमारे भगवत स्वरूप जन आते हैं, पहले बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। मये वो मन आदत्स्व मई बुद्धि निवेश है तो निवशिष्यति मये व अत ऊर्ध्वम न संशया, तू मेरे में ही निवास करेगा अर्थात भगवदानंद में। अविनाशी जीव कभी भोग विलास में तृप्त हो ही नहीं सकता। हम अगर अपने राष्ट्र की विशेष सेवा, तो हमारे धर्म का परिचय, जैसे आप लोग आप जन करते हैं, धर्म का हमारा क्या स्वरूप है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हमें जितना राम जी प्रिय हैं, कृष्ण जी प्रिय हैं, उतने भारत देश हमारे लिए प्रिय है। जैसे राम भक्त कृष्ण भक्त, वैसे हमारे भारत देश का हर जन जन हमारा आदरणीय और पूजनीय। पर अब जो मानसिकताएं बन रही हैं वो हमारे धर्म और हमारे देश के लिए लाभदायक नहीं है। व्यसन का इतना बढ़ता स्वरूप, व्यभिचार का इतना बढ़ता स्वरूप, हिंसा का इतना बढ़ता स्वरूप, ये बहुत ही विपत्तिजनक है। अगर ये बढ़ता रहा तो हम विविध प्रकार की सुख सुविधाएं देने पर भी अपने देशवासियों को सुखी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुख का स्वरूप विचार से होता है। सुख और दुख की स्थिति सत्य नहीं है, आगमा पाइनो अनित्यास, लेकिन हमारा विचार, और विचार हमारा गंदा हो रहा है। बस हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे देशवासियों का विचार शुद्ध होना चाहिए। अगर विचार शुद्ध है तो राष्ट्र प्रियता, जन सेवा, समाज सेवा, ये सब स्वाभाविक होने लगेगा। और विचार अशुद्ध है तो सुविधाएं बहुत हैं, उनका दुरुपयोग हो रहा है। तो बस आप सबसे बड़े बड़े जो देशताजन हैं, जो बड़े बड़े धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने जिनको भेजा है, उन सबसे यही प्रार्थना है कि सब व्यवस्था करते हुए हमारे देशवासियों की बुद्धि अध्यात्म को समझे। बिना अध्यात्म को समझे, दुख सुख की समानता बिना किए परम सुख का अनुभव हो ही नहीं सकता। इस मायाकृत भोग पदार्थों को भगवान ने दुख योनया कहा है, मानो एक बोर्ड लगा दिया, दुखालयम अशाश्वतम। और हम सब यही चाहते हैं कि लौकिक भोगों को भोगने से ही हमारा राष्ट्र सुखी हो जाएगा या हम सुखी हो जाएंगे, नहीं। लौकिक भोगों को पूजन सामग्री बना करके और साध्य सच्चिदानंद प्रभु को रखा जाए तो आनंद की उमंगन हो जाएगी। बहुत सुंदर
मानव जीवन का स्वरूप है, जिसे देव दुर्लभ कहा गया, दुर्लभो मानुषो देहो। लेकिन क्या दुर्लभता शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन्हीं विषय के भोगने की या इन्हीं सुविधाओं के लिए दुर्लभ कहा गया? दुर्लभ है किसी सच्चिदानंद सुख के लिए, और उस सुख को तो हम भूले हुए एकदम बहते हुए शब्द स्पर्श रूप रस गंध के प्रवाह में चले जा रहे हैं, और इसी को सौभाग्य समझ रहे हैं कि हमें सुख प्राप्त हो रहा है। नहीं, हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने धर्म को समझिए, आप अपने स्वा को जहां जहां स्थापित करते चले जा रहे हैं आप उसे गंदा करते चले जा रहे हैं, मदिरा में, हिंसा में, द्व्युतक्रीड़ा में, व्यभिचार में, इसे दोष नहीं समझा जा रहा आज, और हमारे शास्त्र और हमारा धर्म इसको निषेध करता है। कलयुग की स्थिति बताई गई है, छोटे छोटे बच्चे व्यसन करने में लग गए। आज स्कूली विद्यार्थी जिनको ब्रह्मचर्य से पुष्ट होना चाहिए वो ब्रह्मचर्य नष्ट कर रहे हैं, ये बड़ा चिंता का विषय है। हमारे देश के लिए जो जवान चाहिए, हमारे देश के लिए जो भक्ति चाहिए, उसमें बुद्धि और शरीर बल दोनों होना चाहिए। शरीर बल क्षीण हो रहा है क्योंकि व्यभिचार प्रवृत्ति में बहुत कमजोर अवस्था में, जैसे गेहूं की फसल है और गलेथ में काट ली जाए तो ना दाना मिलेगा ना सही भूस मिलेगा, ऐसे ही 20 वर्ष की अवस्था तक यदि ब्रह्मचर्य नष्ट कर दिया जाए तो वो गृहस्थ के योग्य में नहीं रह सकता। राष्ट्र सेवा की क्या बात है, हमारे राष्ट्र सेवा के लिए बहुत विशाल हृदय की आवश्यकता है, हमारे शरीर को बहुत स्वस्थ रखने की आवश्यकता है, तभी हम समाज सेवा राष्ट्र सेवा। तो शरीर और बुद्धि दोनों का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। तो शरीर को तो नष्ट किया जा रहा है विषय भोगों में, लोग समझने लगे हैं कि मांस खाने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हम बलवान बनेंगे, अध्यात्म बल नहीं तो तेरे शरीर की चर्बी बढ़ा ले, लेकिन तू न काम पर विजय प्राप्त कर सकता, न क्रोध पर, न लोभ पर, न मोह पर, न हिंसा पर, फिर क्या जीवन। तो इसीलिए हमारा बार बार हृदय में सबसे प्रार्थना है, जिस संत भगवान भी आते हैं, ये देखो इस समय आवश्यकता विचार शुद्ध करने की है, आहार शुद्ध करने की है, आचरण शुद्ध करने की है। हमारे देश ने चरित्र की पूजा की है, रावण किसी बात में कम नहीं था। आज भी कोई शिव अगर अभिषेक होता है तो तांडव स्तोत्र उसी का गाया जाता है, जटाटवी गलत ज्वल प्रभा पावित स्थले। ऐसा विद्वान और ऐसा बलवान जो 200 बार जैसे झूला आराध्य देव को झुलाया जाए, ऐसे महादेव सहित पार्वती को बाजुओं पे झुलाया, वो महाबली चरित्रहीन हो गया तो अपने देशवासियों ने राक्षस कह दिया उसको। चरित्र, आज हम चरित्र पर ध्यान ही नहीं दे रहे, चरित्र बेचना मतलब कोई समझ में नहीं आ रहा, छोटे छोटे बच्चे चरित्रहीन हो रहे हैं। हमारा राष्ट्र संकट में पड़ जाएगा अगर हमारे बच्चे व्यवस्थित नहीं हुए, उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं हुई, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, कौन आगे चल करके है? यही पीढ़ी तो है ना, इन्हीं में से तो निकलते हैं हमारे राष्ट्रभक्त, भगवत भक्त, देश सेवी। तो सबसे यही प्रार्थना है कि हमारे नई पीढ़ी को सुधारा जाए, उनकी मानसिकता, उनका बौद्धिक स्तर सुधरे, क्योंकि भगवान ने हमें सेवा के लिए भेजा है सबको। चाहे जितना एकांत गुफा में भजन करे, उसकी भजन की सिद्धि समाज सुधार में लगेगी। अगर समाज सुधार में नहीं हुई तो खास बात नहीं हुई, अपना उद्धार कर लेना कोई खास बात नहीं है। खास बात है अपने जीवन को सत्य और तप में तपा करके समाज को प्रदान कर देना। हाँ, विविध प्रकार से हमारे समाज को सुख पहुंचे, इसी में भगवान विराजमान है। बहुनाम जन्म नावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा स्वरम इत्सा महात्मा सुदुर्लभा। भगवान कहते हैं बहुत जन्मों की आराधना के बाद ऐसा विवेक जागृत होता है, ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है कि सबके हृदय मंदिर पर भगवान वासुदेव विराजमान है, और यही अगर लक्ष्य बन गया तो संसार की सेवा करते हुए वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। ये संसार है ना, ये वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोऽस्मि वासुदेव नमोस्तुते। वो वासुदेव ही अपनी वासना इच्छा एक ओम बहुत श्यामा विस्तार कर लिया है। यही जनाना है कि तुम साधारण देह नहीं हो प्यारे, तुम अविनाशी के बच्चा हो, जो चाहो कर सकते हो, पर तुम्हारी चाह गलत दिशा को चली गई। व्यसन छोड़ो, व्यविचार छोड़ो, तो हमारी राष्ट्र सेवा में लगो, समाज सेवा में। बूढ़े बूढ़े माता पिता को जवान बच्चे निकाल दे रहे हैं, क्या ज्ञान है। जिस समय हम किसी ज्ञान के योग्य नहीं थे, अपनी रक्षा नहीं कर, उन्होंने हमारा मल धोया, आज हमें अवस्था उनकी सेवा की। हमारा समाज किस तरह से गिरता जा रहा है, जब बूढ़े जन मिलते हैं ना कि हमें घर से निकाल दिया, हमारे बेटे सेवा नहीं करते, तो लगता है हमारे शास्त्र तक पहुंचना तो बड़ी कठिन बात है। ये मनुष्य की मनुष्यता को भी छोड़ते चले जा रहे हैं, नहीं चले जा रहे। अब जैसे और लोग बहुत से वचन ऐसे, हम आपको ये दे देंगे, हम आपको ये दे देंगे, उसे होगा क्या? जो आप देना चाहते हो बहुतों के पास है। इनकी बुद्धि सुधारो, इनको धर्म का ज्ञान करवाओ,
इनको राष्ट्र प्रियता सिखाओ कि राष्ट्र के लिए कैसे प्राण समर्पित किए जाते हैं। हाँ, अगर ये नहीं हुआ तो सुख सुविधाओं में फिर भोग वृत्ति बढ़ती चली जाएगी और लाभ नहीं मिल पाएगा। परसों नोएडा में मुझे भाषण करना था भारत के विकास पर, स्व के आधार पर भारत का, बिल्कुल यही बात मैंने रखी जी। आप लोगों से सुनते वही बोलते जी। तो वही करते राष्ट्रीय और व्यक्तिगत चरित्र का जी। बस चिंता ये होती कि हम लोग करते चले जा रहे हैं, आप लोग भी करते चले जा रहे हैं, इतनी बातें बढ़ भी रही जी। तो प्रयास तो हम करेंगे, निराश तो हम कभी होंगे नहीं, क्योंकि जीना इसी के लिए है, मरना है तो इसी के साथ मरना है। परंतु क्या होगा ऐसी चिंता मन में आती है, इनके भी मन में आती है, उनके भी, सबके मन में रहती है। इसका उत्तर सीधा यह है कि क्या हम श्री कृष्ण पर भरोसा नहीं करते? क्या बात है, बस हमें जो एकदम सही, हमें जो खास बात पकड़नी है, क्या हम सच्चिदानंद त्रिकालक सर्वज्ञ जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के भरोसे में भी कमी है क्या? अगर भरोसा दृढ़ है तो वही होगा जिसे कहा जाता है परम मंगल में, परम मंगल होगा, कदम पीछे नहीं। हम अध्यात्म बल को जानते हैं, हम अपने स्वरूप को जानते हैं, इसलिए हमको ये नहीं डरना कि होगा क्या। तीन प्रकार की लीलाएं भगवान की हो रही, एक सृजन और एक पालन और एक संहार। जिस समय जैसा आदेश होगा हम उनके दास हैं, वैसा ही करेंगे। क्या होगा? अब वही होगा जो मंगल रचा होगा श्री कृष्ण। अब संशय तो करना नहीं, हाँ बिल्कुल संशय नहीं करना। जैसे आप अपने लोगों को तैयार किया है श्री कृष्ण ने, ऐसे ही आपके इन्हीं में से एक तैयार हो जाएगा जो बहुत जोर का संभालेगा। आपको चिंता नहीं करना आगे क्या होना है। हाँ, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम। हमारे साथ श्री कृष्ण है, अब वही होगा जो परम मंगल होगा। बस निराशा, हताश, उदास ये हमारे जीवन में नहीं अधिकार रखते, किसी भी परिस्थिति में बिल्कुल किसी भी तरह का कोई शोक नहीं, किसी भी तरह का कोई भय नहीं, अविनाशी हूं। हाँ, जो हमें सेवा मिली दाड़ता रहूंगा जब तक शरीर में श्वास है, और जब शरीर छूटेगा तो जो मेरा स्वरूप है उसी को प्राप्त होगा, मुझे कोई भय नहीं। और कि हमारा तिरंगा, हमारा राष्ट्र, हमारा भगवान है। आप तप के द्वारा, भजन के द्वारा लाखों की बुद्धि को शुद्ध कर सकते हो। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु सतरति सतरति सा लोकांतारयति। एक भजनानंदी लाखों का उद्धार कर सकता है। तुम भजन करो, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो, कोई चूक मत होने दो और राष्ट्र की सेवा करो। हाँ, ये राष्ट्र सेवा के लिए प्राण समर्पित ये राष्ट्र सेवी है, पर ये जितेंद्री होकर, व्यभिचारी होकर नहीं, ये भोगी होकर नहीं, योगी होकर के। अब संकल्प बना सर्वे भवंत सुखिना, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आचरण से, संकल्प से और वाणी से, तीनों से हमें राष्ट्र सेवा करनी, समाज सेवा करनी। और हम निरंतर यही चाहेंगे कि आप जैसे सतमार्ग में प्रेरित करने वाले स्वस्थ रहें, भगवान सदैव रक्षा करे और आप आगे बढ़ते रहे हमारे देशवासियों की, हाँ, बौद्धिक स्तर का सुधार और व्यवहारिक स्तर का सुधार दोनों का होता है। आगे बढ़ो महाराज। जैसे सुनो, आप श्री जी का चुनरी प्रसाद लाओ और माला प्रसाद लाओ, प्यारी जी का प्रसादी वस्त्र आप इसे धारण करें। ये श्री लाडली जी महाराज का है एक माला। बहुत आनंद हुआ, बहुत उत्साह मिला, बल मिला, दृष्टि भी जो है वो और साफ हो गई।